नंबर सिक्स, लोग बोल रहे कि ये वाला एसआरके का लुक फिल्म शिवाजी द बॉस से इंस्पायर्ड है। शिवाजी गुड जॉब। अगर ऐसा है तो फिर पुष्पा के भंवर सिंह शेखावत का लुक भी इंस्पायर्ड होगा। और क्या ये सभी लुक्स 1980 की फिल्म शान के विलन शाकाल से इंस्पायर्ड है? नहीं ना। नमस्ते दोस्तों, जवान का ट्रेलर आया, सबके दिलों पे छाया, लेकिन कुछ लोगों को इसमें मजा नहीं आया। अब बहुत लोगों का कहना है कि कुछ समझ नहीं आया। तो जी हाँ, ट्रेलर है और डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ भी रिवील नहीं किया है। और अगर ऐसी बात है और कुछ समझ नहीं आया तो हमारा जवान के ट्रेलर का हिडन डिटेल वाला वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बहुत कुछ कॉपी पेस्ट मारा है फिल्म में, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। दोस्तों, कॉपी और इंस्पिरेशन या रेफरेंस लेने में बहुत फर्क होता है। ऐसे ही डायरेक्ट किसी फिल्म से उठा के ना गाना पीछा दे, कोई सीन अपनी फिल्म में घुसा दे तो उसे कॉपी कह सकते हैं। लेकिन अगर फिल्म में कोई भी सीन अच्छे से फिट हो रहा हो, फिर वो कॉपी हो, इंस्पायर्ड हो या ओरिजिनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिर्फ ट्रेलर देख के ऐसे सीन को कॉपी बोलना गलत बात है। तो हमारी इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि कोई पर्टिकुलर सीन जिसे आप कॉपी बोल रहे हो वो क्यों लिया गया होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज पे डिस्कशन करेंगे। रेडी। नंबर वन, सबसे पहले ये एसआरके का लुक जो काफी चर्चा में है, कई लोग बोल रहे ये मूनलाइट वाला है, कोई लोग बोल रहे कि ये 1990 की फिल्म डार्कमैन वाला है, तो कोई बोल रहे कि ये लुक कुंफू हसल वाले इस सीन का है। अब ये लुक कौन से लुक जैसा दिख रहा है, इससे कई ज्यादा इस लुक के पीछे का रीजन क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ट्रेलर से तो ऐसा लग रहा है कि एसआरके बहुत ज्यादा जख्मी हालत में इन गांववालों को मिले होंगे और इन गांववालों ने इन्हें हील करने के लिए ऐसे पट्टियों में लपेटा होगा और जहां फ्रैक्चर है वहां ऐसे स्टिक से बोन्स को सपोर्ट दिया होगा। तो ये लुक मुझे कहीं ना कहीं कुंफू हसल वाले इस लुक के करीब लग रहा है। उसमें भी हीरो बुरी तरीके से मार खाता है और उसे हील करने के लिए उसे इन पट्टियों में लपेटा जाता है। अब कुंफू हसल एक चाइनीज फिल्म है और ये गांव जहां एसआरके का इलाज होता है वो भी चाइना बॉर्डर का कोई गांव लग रहा है, क्योंकि उस गांव पे जो अटैक करते हैं वो चाइनीज आर्मी जैसी लग रही है। ये स्टार सिंबल जो चाइना के फ्लैग पे भी आप देख सकते हैं और ये उनके यूनिफॉर्म चाइना के आर्मी यूनिफॉर्म जैसे लग रहे हैं। तो हो सकता है चाइना में ऐसे कोई एंशिएंट टेक्निक हो जहां ऐसे हीलिंग की कोई प्रोसेस हो जो हमने कुंफू हसल में देखी थी और इस फिल्म में देखने मिलेगी। तो अगर ये थ्योरी सही माने और हीलिंग प्रोसेस भी सेम हो तो दिखेगी भी सेम ही, तो ये कॉपी कैसे हुई? और अगर इसे कॉपी बोलोगे तो फिर सिंघम के अजय देवगन का यूनिफॉर्म भी कॉपी है सलमान के दबंग के यूनिफॉर्म का, नहीं ना? तो ये यूनिफॉर्म जैसा एक रेफरेंस है इंडियन पुलिस फोर्स के यूनिफॉर्म का जो हर जगह सेम ही होगा, वैसे ही एसआरके और इस कुंफू हसल वाले हीरो का भी लुक भी सेम ही होगा ना। नंबर टू, ये वाला क्लिप जवान के अनाउंसमेंट से ही चर्चा में है और ये हमें ट्रेलर में भी देखने मिला था और ये मुझे काफी हद तक मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली के इस क्लाइमैक्स वाले फाइट सीन की याद दिलाता है। डेफिनेटली दोनों की पोजीशन में काफी सिमिलैरिटी है, लेकिन कैमरा एंगल अलग अलग है और दोनों के प्रेजेंटेशन में भी बहुत डिफरेंस है और शायद सिचुएशन में भी। नंबर थ्री, ट्रेलर में सीन में आपने ट्रेन में फंसे हुए लोगों को एसआरके जैसा मास्क पहना हुआ नोटिस किया होगा। इस टाइप का सीन हमने मनी हाइस्ट के एक एपिसोड में देखा था जहां पुलिस को डिसगाइज करने के लिए बैंक में फंसे हुए लोगों को प्रोफेसर की टीम उनके जैसा मास्क और कपड़े पहनाती है। अगेन यहाँ ये एसआरके का एस्केप प्लान लग रहा है, लेकिन मनी हाइस्ट में डेनवर के डैडी मॉस्को को हाइपरटेंशन के वजह से सांस नहीं आ रही थी और खुले में सांस लेना जरूरी था, लेकिन उनके लिए अकेले टेरेस पे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए पुलिस को चकमा देने के लिए डेनवर ये आइडिया निकालता है। क्यों है ना दोनों में फर्क? अरे हाँ भाई हाँ। नंबर फोर, ट्रेलर में सीन में दीपिका अपने हाथ झटकती है और सेम वे में एसआरके भी इस सीन में अपने हाथ झटकते हैं। ये दोनों रेफरेंस है इस फिल्म के डायरेक्टर एटली की 2017 की फिल्म मर्सल का, जिसमें सेम वे में थलपति विजय भी कुश्ती से पहले अपने हाथों को मिट्टी लगा के ऐसे ही हाथ झटकते हैं। अब ये रेफरेंस है डायरेक्टर की खुद की ही फिल्म का और खुद की ही पिछली फिल्म का रेफरेंस देना क्लेवर डायरेक्टर की निशानी होती है। नंबर फाइव, अब बहुत लोग बोल रहे कि ये वाला सीन बाहुबली से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये सीन भी लायन किंग फिल्म से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर ये शॉट दिखने में अच्छा लग रहा है और ये किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के पैदा होने को इंडिकेट कर रहा है तो सही जगह पे यूज क्यों ना करे। बात तो सही है। नंबर सेवन, उसके बाद ये वाला एसआरके का लुक अपरिचित जैसा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये सच में अपरिचित का रेफरेंस हो सकता है, जिसके दो रीजंस हैं। रीजन नंबर वन, इस फिल्म में एसआरके का कैरेक्टर अपरिचित जैसे बुरे लोगों के लिए बुरा है और उन्हें लॉ या सिस्टम से सजा मिलने की वेट नहीं करता, खुद ही सजा दे देता है। रीजन नंबर दो हो सकता है अपरिचित के डायरेक्टर शंकर के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर एटली ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर दो फिल्म में काम किया है, तो शायद ये अपने मेंटर शंकर के लिए एटली का ट्रिब्यूट भी हो सकता है। अभी
इतना सुन के भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सीन्स कॉपी ही है तो आगे सुनिए। अब थोड़ा बात करते हैं एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर जिनका नाम है क्वेंटिन टेरेंटिनो, जो बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है। इनकी फिल्मों को अभी तक 7 ऑस्कर अवार्ड्स और 8 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अब तक की बनी हर एक मूवी से कुछ ना कुछ तो चुराता हूँ। इससे मुझे एक बड़े आर्टिस्ट का कोट याद आ गया और वो आर्टिस्ट है वर्ल्ड फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो, जिन्होंने बोला था गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, यानी अच्छे आर्टिस्ट कॉपी करते हैं और ग्रेट आर्टिस्ट चुराते हैं। और मेरे हिसाब से अच्छे से चुरा के उससे कुछ नया बना के अपनी फिल्म में कहानी के हिसाब से ढालना भी एक कला है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि ये चीज हम डिस्कस करेंगे और मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। अब बारी है आपकी, आपको क्या लगता है इस बारे में, चलिए आइए डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।